दिवाली जिथे कुछ लोगों लिए खुशियां भरिया त्यौहार है तो उत्थे कुछ शरारती लोगों के लिए शरारत करन दा एक मौका भी बन जाता है। अजिहा ही मामला एक तरन तारण तो देखने को मिले जिथे कि कुछ शरारती लोग शाम को रस्ते दे विच बुलेट के पटाके मार रहे थे जिन्हों रोकण के लिए मुहल्ला निवासी अगे आते हैं उन्होंने समझाते हैं पर समझ की बजाय वो उतों जाके वापस अपने नाल बंदे ले आते हैं तो जेड़े घर के वलों उन्होंने बुलेट के पटाके मारन तो रोकया जाता है उस घर के उत्ते ही इट्टा रोड़े चला के ते बेसबॉल दे नाल हमला कर दिता जाता है। मजदूरों का घर से जो मिट्टी के भांडे बनाते मिट्टी के भांडे भन दिते जाते हैं सारा कुछ तहस नहस कर दिता जाता है। इस हमले के जिथे चार लोग जख्मी होए ने उत्थे एक व्यक्ति की मौत भी हुई दसी जा रही है। सो अजिहा मामला अपने आप के दिवाली वर्गे ये पवित्र त्यौहार के उत्ते मंदभाग है पर फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है की कहना परिवार का आओ तुम सुना दें। इस तरह ही है जी इतने रोड के उपर ही घर आ ये उपर जे कुछ जो शरारती अंसर वह पटाके बुलेट मोटरसाइकिल के पटाके मरवाते इन्हें रोकया महल्ले सारे तकरीबन रोकया अलग अलग घर ने रोकया उस तो बाद कि एक बारी चले गए जाने तो बाद फिर एक बार आके इन्हों के घर के उत्ते हमला कर दिता वो एक जने की जान चली गई है चार पाँच जड़े आ जोड़े वो फटड़ हो चुके हैं तो इतने बहुत ज्यादा जी वी नेरगर्दी पै चुकी आ ना पुलिस प्रशासन जोड़ा अजे तक ध्यान दिता बड़ी बारी अं कह चुके हैं भी इतने PCR चाहिए आ क्योंकि ये महल्ले वाले अपनी मेहनत मशक्कत करते कोई किसी ना कोई माड़ा चंगा नहीं करते इन लोगों के रात हमला इस तरह किया गया कि जिदा आप कि जाके पाकिस्तान के उत्ते हमला करना हों कि बंद को माड़ी चंकी करने वाले नहीं गए पर लेकिन इन्हों बड़ा दुरव्यवहार किया गया जिद एक बंद की जान जी चली गई है। बुजुर्ग का की नाम है उन्होंने बिल्लू सेठ जी कहिंदे आ बहुत चंगे इंसान सके तो उन्हें जी जान चली गई रात किन्ने की घटना लगभग तकरीबन 9 बजे की जिम्मे कि देखा जाए दिवाली का त्यौहार ही जिंद के पुलिस को गश्त भी लानी चाहिए जो PCR वाले होने चाहिए इतने कोई नहीं है जी सड़क तकरीबन एक घंटा लड़ाई ये चलती रही है वो कोई पुलिस वाला कोई भी तरह का कोई PCR वाला बंदा अं इधर की लंघता नहीं वेखिया हूँ की मंग ते साड़ी मंग है जी उन्होंने परचा दर्ज होना चाहिए उन्होंने यहोजे जो शरारती अंसर उन्होंने जेल के बाहर नहीं आने देना चाहिए और पक्के जे शरारती अंसर जेल के बच्चे ही रहने चाहिए। दीप चंद की गलबात हुई है गुंडागर्दी की खासा असं अंदर गए अंदर गेट खोले धक्का मारे फोटा कि बंदे हो बंदे 1600 बंदा खड़ा होगा है 1600 बंदा होगा कड़े कड़े बंदे दाली जख्मी है किन्ने बंद जख्मी साढ़े चार पाँच बंद जख्मी है मम्मी मेरे एक राजेश कुमार एक मैं एक कृष्ण कुमार डैथ भी किसी डैडी डैडी मेरी डैथ हुई कि नाम बिल्लू राम किन्नी उम्र से उन्हें जी 65 साल में कद डैथ की मारा कि पता नहीं की वजह इतने रखा है की मंग करते हो कहना साफ चाहिए जो जो भी हो साडे बच्चे सेफ्टी अगे वास्ते साढ़े हमला बाद बच्चे लड़ाई किस गल तो हुई है लड़ाई हुई जी और बुलेट बना के पाते ही अही बाहर ही उन्हें समझाया ही चले गई बाद फिर दोबारा जो अंदर गए उदो पिछे होंगे Thank you.
ਬਣਾ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ।